इमेजिन करो कि ये 2016 का टाइम चल रहा है जब अमित वडाना, आशीष चंचलानी और भुवन बाम जैसे कंटेंट क्रिएटर बूम कर रहे हैं। टाइम बीता और ये कंटेंट क्रिएटर अपने अपनी फील्ड के सुपरस्टार बन गए। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी कि उस टाइम एक म्यूजिकली नाम का ऐप जिसे बाद में टिकटॉक के नाम से जाना गया वो भी मार्केट में अपना दबदबा बना लेता है। अब इन टिकटॉकर्स को भले हमने इज्जत की नजर से नहीं देखा, लेकिन रियलिटी ये थी कि कल तक जिन टिकटॉकर्स के पास में रहने खाने के वांदे थे, आज वो ऐसी कारों में घूम रहे हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास लोग शायद लेने की भी नहीं सोच सकते। अब इन टिकटॉकर्स को हम प्यार करें या नफरत, लेकिन रियलिटी ये थी कि ये उन दिनों दबाकर पैसा छाप रहे थे। अब टाइम आ गया था 2020-21 का, जब भारत से टिकटॉक बैन हो चुका था, लेकिन एक आदत हम इंडियंस को लग गई थी, वो थी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की। अब सबसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने का फायदा इंस्टाग्राम ने उठाया रील्स इंट्रोड्यूस करके। सब कुछ सही जा रहा था, यूट्यूबर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट कर रहे थे और इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट हो रहा था। दोनों को पब्लिक पसंद कर रही थी और दोनों कैटेगरी के कंटेंट क्रिएटर दबाकर पैसा छाप रहे थे। लेकिन फिर 2023 का समय आया जब इंस्टाग्राम पर एक लड़की डिस्कवर हुई जो कि कंटिन्यूअसली पोस्ट डाल रही थी और उसके फॉलोअर्स भी गेन हो रहे थे। पर इसमें चौंकने वाली बात क्या थी, ये तो 2016 से चल रहा है ना। लेकिन इस बार चौंकने वाली बात थी क्योंकि ये जो लड़की इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी वो कोई इंसान थी ही नहीं, बल्कि वो एक AI थी, मतलब AI इन्फ्लुएंसर थी। और एक रिपोर्ट की माने तो ये AI इन्फ्लुएंसर महीने का 10 लाख रुपए तक कमा रही है। हाँ जी, तो जहाँ पैसा वहाँ हम। अगर ये AI इन्फ्लुएंसर कंटेंट बना के महीने का 10 लाख रुपए तक कमा रही है तो हम भी AI इन्फ्लुएंसर बना के महीने का 5 लाख रुपए तक तो कमा ही सकते हैं ना। तो आज मैं बनाऊंगा एक AI इन्फ्लुएंसर। लेकिन AI इन्फ्लुएंसर बनता कैसे है वो जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। अब मैंने बोल तो दिया कि एक AI इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा और उससे पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम कि AI इन्फ्लुएंसर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि इसे बनाऊंगा कैसे, और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि चलो इन केस मैंने बना भी लिया तो उससे मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा, और तीसरा क्वेश्चन है कि 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कितने फॉलोअर्स चाहिए होंगे इंस्टाग्राम पर। तो आओ साथ में मिलकर इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। अब AI इन्फ्लुएंसर बनाकर पैसे कमाने की ये कहानी ऐसे चलते फिरते शुरू नहीं हो गई थी, इसके पीछे एक बैक स्टोरी है। बात है 1 महीने पुरानी, जब मैं मेरी बुलेट से अपने दोस्त के साथ में सड़क पे घूम रहा था, तब मेरे दोस्त ने होर्डिंग की तरफ इशारा करके बताया कि ये जो लड़की दिख रही है ये कोई इंसान है ही नहीं, वो एक AI है। मैं कंफ्यूज की पता नहीं क्या ही बोल रहा है ये। अब उस होर्डिंग वाले इंसिडेंट के बाद में मैं मेरे घर पे तो आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं अपने पलंग पर बैठा बैठा ऐसा कुछ तो भी उठपटांग सा खा रहा था। अब मेरी एक बचपन की आदत है कि खाते खाते मैं ना टीवी या मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखता जरूर हूँ। अब इस टाइम शार्क टैंक पे दो लड़के अपने बिजनेस को पिच करने आए, जहाँ इन लड़कों की आस्क थी 1 करोड़ फॉर 2.5% इक्विटी, मतलब 40 करोड़ की वैल्यूएशन। और इनका बिजनेस मॉडल पता है क्या था, इनने सिंपल एक AI इन्फ्लुएंसर बनाया और उसके पोस्ट इंस्टाग्राम पर करते रहते थे। उस AI इन्फ्लुएंसर का नाम था कायरा। कायरा के इंस्टाग्राम पर करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स थे। अब मेरी आंखें बैठे बैठे एकदम चमक उठी, मतलब अगर इतना ही पैसा अगर इस फील्ड में है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में चुल मची कि AI इन्फ्लुएंसर बनाकर उसके पोस्ट इंस्टाग्राम पे करके मैं भी लाखों रुपए कमा सकता हूँ। पर क्वेश्चन घूम के फिर से वही आ गया कि आखिर में AI इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा कैसे। तो AI इन्फ्लुएंसर बनाते कैसे हैं वो तो मैं क्रैक कर ही लूंगा, और AI इन्फ्लुएंसर बनाकर तगड़े वाले पैसे भी कमा लूंगा। लेकिन यदि तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ, और उस एप्लीकेशन का नाम है बिनोमो, जिससे आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो और बहुत ही आसानी से उन पैसों को विड्रॉल कर सकते हो। तो बेसिकली तुम लोगों को ये करना है, ट्रेड में देखते रहना है ग्राफ अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग अपनी समझ से प्रिडिक्ट करते रहना है, और बस जब अर्निंग हो जाए तो उसे आसानी से विड्रॉल करके मजे करो। इसमें मिनिमम डिपॉजिट है 500 रुपए का, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि 2000 रुपए तक का करो, ताकि ऑपरेट और फोरकास्ट करके अच्छी अपॉर्चुनिटी में तुम लोग इन्वेस्ट कर सको। अगर तुम बिनोमो VIP बन गए तो डबल ट्रिपल ऐश है, क्योंकि पहले तो तुम्हें तुम्हारा पर्सनल मैनेजर मिल जाएगा जो तुम्हारी सारी ट्रेड रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेगा, फिर तुम्हें ऐसे एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिफ्ट मिलेंगे जिससे तुम्हारा प्रॉफिट और भी बढ़ जाएगा। तो बस ग्राफ देखो, ट्रेड करो, और अच्छे से मॉनिटर करके अपनी समझ से ट्रेड करो।
करो। बाकी अगर तुम इस ऐप को डाउनलोड करना है तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां से तुम लोग आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। तो AI इन्फ्लुएंसर बनाते कैसे हैं, ये मैं आराम से बैठकर सीखने लगा। बस मैंने एक बात का ख्याल रखा कि जैसा भी मैं AI इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा वो बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, मतलब वो असली है कि नकली, इस बात में फर्क नहीं पता चलना चाहिए। अब एक बार को तुम लोग मान लो कि मैंने ये AI इन्फ्लुएंसर बना लिया, बिल्कुल असली टाइप का है, मतलब इंसान है, AI है, आदमी औरत क्या है, मतलब बिल्कुल फर्क ही समझ में नहीं आ रहा है। पर क्वेश्चन अब ये आएगा कि मैंने इतनी मेहनत करके AI इन्फ्लुएंसर बना भी लिए पर मैं उससे पैसे कैसे कमा पाऊंगा, क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा वही है ना, पैसा कमाना, तो मैं उससे पैसे कैसे कमा पाऊंगा। ये जानने के लिए तुम लोग बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मैं कभी भी कोई भी बिजनेस करता हूँ ना तो वो उतनी आसानी से होता नहीं जितनी आसानी से मैं तुम लोगों को वीडियो में दिखाता हूँ, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। अगर मैं तुम लोगों को करंट के एक बिजनेस के बारे में बताऊं जो मैंने फ्री बॉटल वाला किया था, वो जितने सिंपल से मैंने 10 मिनट की वीडियो में दिखाया था ना, उतने सिंपल तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। सच बता रहा हूँ, जब वो मैं बिजनेस कर रहा था ना, मैं 28 घंटे सोया तक नहीं था, और ये बात मैंने वीडियो में भी बताई थी वो वाले। तो एक बिजनेस को करने के पीछे ना बहुत मेहनत लगती है। खैर, तो अगर हम इस AI वाले बिजनेस को भी कर रहे हैं तो वो इतना सिंपल रहेगा नहीं कि हमने एक AI इन्फ्लुएंसर बना लिया और धड़ल्ले से पैसा छाप रहे हैं। हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी पैसा छापने के लिए। अगर हमें ये क्रैक करना है कि ये AI इन्फ्लुएंसर पैसा कमाएगी कैसे, तो इसे जानने से पहले हमें ये बात जानना पड़ेगी कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे पैसा कमाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला वही सेम रहेगा। जैसे इन्फ्लुएंसर्स पैसा कमाते हैं, सेम तरीके से AI इन्फ्लुएंसर भी पैसा कमाएगी। तो अभी हम AI इन्फ्लुएंसर से पैसा कमाएंगे कैसे, इसे जानने के लिए हमें इन्फ्लुएंसर मार्केट समझना होगा। बात 2015-16 की है, जब YouTube और Instagram दोनों बूम हो रहे थे। उसी के साथ में आ गए TikTok, जिसने हमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की आदत लगाई। इस टाइम तक YouTube पे सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता था और Instagram पे सिर्फ फोटोज अपलोड होती थी। टाइम के साथ जब TikTok बैन हुआ तब Instagram ने रील्स इंट्रोड्यूस करी और YouTube ने शॉर्ट्स। तब से Instagram पर रील्स चलने लगी और YouTube पर लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों कंटेंट। हम जो अपना AI इन्फ्लुएंसर लॉन्च करेंगे वो Instagram पर करेंगे, ना कि YouTube पर। उसके पीछे कुछ कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन है वर्चुअल साइमन, जो कि एक AI यूट्यूबर है। इसकी वीडियो मिनिमम 10 से 15 मिनट की होती है। अब इस लेवल की AI वीडियो क्रिएट करने में हमारे पसीने निकल जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत तगड़े वाले कंप्यूटर का काम होता है, तो उतना भयंकर तो हम लोड लेंगे नहीं, इसलिए हम अपने AI इन्फ्लुएंसर से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनवाएंगे। और दूसरी मैंने बात बोली थी, हम सिर्फ Instagram पर डालेंगे ना कि YouTube पर, क्योंकि YouTube शॉर्ट पर भी तो हम डाल सकते थे ना। अब होता क्या है कि YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर को पैसा तो देता है लेकिन वो पैसा बहुत थोड़ा सा होता है, और उस पर जो ब्रांड्स आते हैं वो भी बहुत थोड़ा सा पैसा देते हैं। वहीं अगर बात करें Instagram इन्फ्लुएंसर्स की, तो ये लोग 5-6 टाइम ज्यादा चार्ज करते हैं YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर के कंपैरिजन में। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है कि YouTube की ऑडियंस अलग है, Instagram की ऑडियंस अलग है, वो एक बड़ा एक डेटा साइंस है, तो उसमें अभी हम नहीं पढ़ रहे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस तुम लोग इतना समझ लो कि हम अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करवाएंगे अपने AI इन्फ्लुएंसर से, और दूसरी कि हम अपने इस AI इन्फ्लुएंसर को इंस्टा पर अपलोड करेंगे ना कि यूट्यूब पर। तो मैं बैठकर सीखने लग गया कि अपना AI इन्फ्लुएंसर बनाते कैसे हैं। अगर यदि मुझे इस AI इन्फ्लुएंसर से पैसे कमाने हैं तो मुझे सिर्फ इसकी इमेजेस पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी, मुझे सच में एक कंटेंट क्रिएट करना होगा जैसा बाकी AI इन्फ्लुएंसर करती हैं, और हर रील में उसका चेहरा भी सेम होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले गूगल से एक प्यारी सी लड़की डाउनलोड कर ली और उस लड़की के जैसे ही प्रॉम्प्ट्स को ChatGPT से लिखवा लिया। ChatGPT ने जैसे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करे थे वो मैंने कॉपी पेस्ट Leonardo.ai पर कर दिया, जहां से मुझे मेरी AI इन्फ्लुएंसर का चेहरा मिल गया। तो ये जो चेहरा है इसी को मैंने फाइनल किया अपने AI इन्फ्लुएंसर के लिए। अब टाइम था तो वीडियोस क्रिएट करने का, जिसके लिए मैं गया मैजिक आर्ट्स जैसी वेबसाइट्स पर, और यहाँ पे मैंने चेहरे को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना AI इन्फ्लुएंसर बनाया। मैं चाह रहा था कि मैं जो भी AI इन्फ्लुएंसर बनाऊं उसकी लिमिटेशन सिर्फ गाना गाना और डांस करने तक ही ना हो, वो बात भी कर सके और कुछ बातें भी बता सके। तो मेरी ये AI इन्फ्लुएंसर क्या बोलेगी उसकी मैंने एक स्पीच रेडी करी, और फिर एक और वेबसाइट में जाकर उस स्पीच को लड़की वाली आवाज में कन्वर्ट करके अपने AI इन्फ्लुएंसर से बुलवाने लगा। तो पूरे 2 घंटे की मेहनत और 1 दिन का यूट्यूब ज्ञान लेकर फाइनली आज हमने बना दिया हमारा AI इन्फ्लुएंसर, जिसका फर्स्ट लुक कुछ ये है। तो मैं हूँ एक AI इन्फ्लुएंसर जिसे सारंश ने बनाया है। मैं अभी अपना नाम नहीं बता सकती क्योंकि सारंश नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे नाम से मुझे इंस्टाग्राम पर सर्च करो और फॉलो करो
वो मुझे खुद से ग्रो होते हुए देखना चाहता है। तो अभी फाइनली जो हमने बनाया है वो यही है इन्फ्लुएंसर है। हाँ मतलब थोड़ी नकली टाइप लग रही है, टाइम के साथ साथ वो असली लगने लग जाएगी, पर जो भी बनाई है हमने बनाई है और फ्री में बनाई है और सिर्फ 2 घंटे में बनाई है। तो अब 2 घंटे में तुम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। पर क्वेश्चन घूम के आ रहा है कि अब मैं इससे पैसे कैसे कमाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी बिजनेस वीडियो में या तो एंड में प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। तो मैंने क्या किया और इससे कैसे पैसे कमाए और क्या मुझे लॉस हुआ और प्रॉफिट हुआ, उसे जानने से पहले तुम लोग एक बात जान लो कि AI इन्फ्लुएंसर बनाने का ये आइडिया मुझे आया था शार्क टैंक में उन 2 लड़कों से जिनने कायरा नाम की AI इन्फ्लुएंसर बनाई थी और उस एपिसोड को मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा था। कायरा के उस टाइम पे करीब 2.5 लाख फॉलोअर्स थे और आज के टाइम पे अगर हम कायरा के फॉलोअर्स देखें तो वो भी करीब 2.5 लाख के आसपास ही हैं। तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब किसी एक इन्फ्लुएंसर को मिलियंस लोगों ने देखा और 6-7 महीने भी बीत चुके हैं उसके बाद में भी कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन ये है कि AI इन्फ्लुएंसर से पैसे कमाने वाला ये बिजनेस मॉडल फ्लॉप बिजनेस मॉडल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो सुनो। कभी भी एक इन्फ्लुएंसर पैसा कमाता है ना, वो तब कमा पाता है जब उसको पब्लिक देखती है और पब्लिक उस क्रिएटर को तब देखती है जब उसको उसके साथ में कनेक्शन फील होता है। एग्जांपल के लिए एल्विश यादव, वो किसी को थप्पड़ मारे या प्यार करे, तुम लोग उसको देखते हो क्योंकि वो इंसान है, वो जिंदा है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं और तुम लोगों को उसके साथ में कनेक्शन फील होता है। अब AI इन्फ्लुएंसर डांस करे, नाचे, बात करे, किसी को कोई कनेक्शन ही फील नहीं होगा उससे। शायद यही एक रीजन था कि शार्क टैंक में आए उन 2 लड़कों को एक भी डील शार्क से नहीं मिली। सो होप तभी तुम लोगों को समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे ये बिजनेस मॉडल फ्लॉप बिजनेस मॉडल है। शायद आज के टाइम पे AI इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रही हूँ पर मेरे को नहीं लग रहा है लॉन्ग टर्म तक ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी हम अपने AI इन्फ्लुएंसर को कंटिन्यू रखेंगे, 1 महीने तक डेली पोस्ट भी करेंगे। 1 मंथ बाद तुम लोगों को अपडेट दूंगा कि हमारे इस AI इन्फ्लुएंसर से हम लोगों ने कितने फॉलोअर्स किए, क्या हमें कोई ब्रांड डील मिली या फिर पैसे वैसे कमाए। बाकी तब तक के लिए शेयर वेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और इंस्टाग्राम पे जरूर मेरे को फॉलो कर देना। बाकी ये चेहरा याद रखना क्योंकि कभी भी तुम लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर दिख जाओ तो फॉलो कर सको। हां अभी ज्यादा रियल नहीं दिख रही हूँ पर टाइम के साथ दिखने लगूंगी। बाय एंड लव यू ऑल। बाकी तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर एक नए बिजनेस आइडिया मेरे को बता के जाना। बाय बाय। आपके गोल्स क्या है? अच्छा बॉडी, अच्छा ट्रेनिंग कीजिए और अच्छा पैसा, और डाउनलोड कीजिए बिनोमो। साइन अप कीजिए बिनोमो पर, ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखना स्टार्ट कीजिए। Keep going and you can gain.